उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश के होंगे। लगभग 2 करोड़ 61 लाख उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 5,200 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत भी करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी जुड़ेंगे। बता दें आपको कि पीएम किसान योजना के माध्यम से किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और इस अवसर पर अपने किसान भाई बहनों के साथ संवाद भी करूंगा। वहीं पीएम मोदी आज गंगा किनारे जैविक खेती करने वाले उन्नाव के किसान से बात भी करेंगे। उन्नाव के अरविंद निषाद से प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैविक खेती को लेकर बात करेंगे। बता दें आपको कि सिकंदरपुर सरोसी के अरविंद निषाद पिछले कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी होने जा रही है, आज एक बड़ा दिन है, किसानों के लिए लाभकारी ये साबित होगा, साथ ही ज्यादातर किसान इसमें उत्तर प्रदेश के हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ मिलने जा रहा है, साथ ही उन्नाव के किसान जो कि जैविक खेती कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे पीएम। जी बिल्कुल, आज सबसे बड़ा दिन है किसानों के लिए। ये लगभग 8वीं किस्त है जो पीएम की तरफ से जो किसानों के सम्मान निधि के लिए दी जाती है। किसानों के लिए सबसे बड़ा सम्मान के लिए ऐसे कहा जा सकता है, जब एक तरफ कोरोना महामारी और तमाम दिक्कतें चल रही हूँ, उस बीच ये राहत देने वाली राशि होगी। इसके साथ साथ आज कई जगहों पर किसानों से बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसको लेकर के कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वे देश भर के तमाम किसानों से बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में भी किसानों से बातचीत करेंगे। हमेशा से ही देखा गया, पीएम नरेंद्र मोदी ने जैविक किसान जो खेती को लेकर के तमाम हर बार राय देने का प्रयास किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नई तकनीकी की खेती हो पाए, इस पर हमेशा जोर देते हैं। इसी कड़ी में उन्नाव से भी एक किसान है जिनसे वो खास बातचीत करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ऐसे किसान है जिनको इस सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा राशि होगी और सबसे ज्यादा किसान होंगे उत्तर प्रदेश में जिनको इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल शुभम, और ये कितना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर हम संभावनाओं की बात करें, अगर हम लाभ की बात करें, तो एक तरफ कोरोना काल है जहां पर किसानों को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आज तकरीबन 2 करोड़ 61 लाख ऐसे उत्तर प्रदेश अकेले के किसान हैं जिनको फायदा होने जा रहा है। आर्थिक तौर पर जो संकट आया पिछले कुछ दिनों में, आज पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जब जारी होगी तो किसानों के चेहरे पर जो टेंशन था वो दूर होता हुआ नजर आएगा। जो लगातार ये सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें कुछ राहत दी जाए, तो वो ये एक बड़ी राहत के तौर पर आज उन्हें मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां कोरोना काल रहा, फिर बीते साल भी कोरोना से ही देश पूरा परेशान रहा, उस बीच किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। असल में किसानों के साथ कई बार भी ये बारिश बाढ़ की वजह से भी उनको अपनी खेती में नुकसान होता है, लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से। इसी तरह जो 8वीं किस्त मिलने जा रही है, इसके बाद किसानों का एक अपना सम्मान बना रहेगा और इसके साथ साथ उनकी जरूरी चीजें भी मिलती रहेंगी। इस सम्मान के मिलने के बाद वे नई जो खेती करना चाह रहे उसमें उनको सहयोग मिलेगा, नई चीजों के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैविक जो हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अपनी तकनीकों पे काम करें, नई तकनीकों के ऊपर काम करें, इसको लेकर के भी एक धनराशि मिलने के बाद उस योजना और उस विजन को भी बल मिल सकता। जी बिल्कुल शुभम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।